अभी हमारे साथ मौजूद हैं गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, जो भागलपुर नगर निगम का वोट डालने के लिए भागलपुर पहुंचे हैं। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। जी बताइए, आज आप वोट डालने यहाँ पहुंचे हैं। वोट तो हमारा अधिकार है, वोट सबों को डालना चाहिए, और इसीलिए मेरा सबों से आग्रह है भागलपुर के लोगों से कि पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। और भागलपुर में 5 साल के बाद ये मौका आया है, और पहली बार ये मौका आया है कि सीधा आप मेयर उपमेयर का जो है इलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले आपको पता है कि किस तरह पैसे का खेल होता था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया था जब हमारी सरकार थी नीतीश कुमार जी के साथ, और पढ़े लिखे साफ सुथरे छवि के आदमी को लोगों को चुनना चाहिए। मैंने तो परिवर्तन के लिए वोट दिया है, चाहे वो मेयर का वोट हो, चाहे डिप्टी मेयर का वोट हो, चाहे यहाँ के वार्ड काउंसलर का वोट हो, तीनों हमने परिवर्तन के लिए दिया है। और मुझे लगता है कि भागलपुर की जनता इस बार परिवर्तन करेगी। क्या लगता है भागलपुर में कितना विकास हो पाया पिछले 5 वर्षों में, नगर निगम की अगर बात करें? नहीं, यदि मैं देवघर नगर निगम को देखता हूँ और भागलपुर नगर निगम को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि एक राजा भोज और गंगू तेली के बीच में जो है मुकाबला है। भागलपुर एक ऐसा शहर रहा जो कि ऐतिहासिक है, अंग प्रदेश है, कर्ण की राजधानी रही, और भागलपुर ने जो जमाने देखे हैं आज उसके मुकाबले भागलपुर के लोगों में जो नगर निगम है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, और जो भी मेयर डिप्टी मेयर के तौर पर यहाँ रहे उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। मैं दीपू भुवानिया जी, उनकी तबीयत ख़राब है, भगवान उनको जल्दी से ठीक करें, मैं उनके प्रति शुक्रगुजार हूँ कि जब वो मेयर थे तो उन्होंने भागलपुर को जो है स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलवाया, उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। उस स्मार्ट सिटी के दर्जे के बाद जो भारत सरकार ने पैसा दिया था और जो काम करना चाहिए था, ये 5 साल में एक काम नहीं हो पाया, और इसीलिए भागलपुर में परिवर्तन की आवश्यकता है। निशिकांत जी, जो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं पूर्व डिप्टी मेयर मेयर की, तो अभी पूर्व डिप्टी मेयर ने कहा है कि उन्हें काम नहीं करने दिया गया, और इस बार जब जनता चुनेगी, जब अधिकार सीधे मिलेगा, तब वो पूरी तरह से काम करेंगे। मेरे ऊपर तो 38 केस किया है हेमंत सोरेन जी ने, तो मैं उसका एक्सक्यूज़ दूं अपने यहाँ? उसी में एयरपोर्ट चालू हो गया, उसी में एम्स चालू हो गया, उसी में गोड्डा का रेल चालू हो गया, उसी में 4 लेन, जिसको जिस जनप्रतिनिधि को काम करना है, ये तो श्रृंगार है। विरोध तो प्रजातंत्र में श्रृंगार है। विरोध यदि होगा तो आपको काम करने की ज़्यादा इच्छा होगी। मेरे ऊपर 38 केस यदि कर पाया तो मैं 3 साल में ज़्यादा काम कर पाया। जो 10 साल में काम नहीं कर पाया था वो 3 साल में काम कर पाया। मुझे तो दिखाना है, इसीलिए प्रजातंत्र में ये कहना कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, ये एक ऐसा एक्सक्यूज है कि आपको काम करने की इच्छा ही नहीं थी। साथ ही एक बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने, डॉक्टर्स को कहा है कि वो उन्होंने अगर वो चुनाव में चुने जाते हैं तो वो पार्ट टाइम के लिए हैं, डॉक्टर्स इस तरह की सेवा में नहीं आ सकते, ऐसा सीधा आरोप लगाया है। देखिए, आप मेरे मुँह से बहुत कुछ नहीं निकलाइए। जो भी पढ़ा लिखा समाज है, सभ्य समाज है, वो अच्छा काम करेगा। जो पढ़े लिखे लोग होंगे उनको शहर के बारे में ज़्यादा चिंता होगी। जो जिनका पेट भरा हुआ होगा वो पैसा नहीं कमाएंगे, और नहीं पैसा कमाएंगे तो 24 घंटा वो उसी काम में रहेंगे। यदि ऐसा होता तो कई एक डॉक्टर सीपी ठाकुर जो है वो क्या स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर फेल हो गए? उन्होंने अच्छा काम नहीं किया? जितना अच्छा काम डॉक्टर सीपी ठाकुर ने किया शायद नहीं करते। जो बंगाल के पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर विधान चंद्र राय, उन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया बंगाल में, आज भी उनके डेथ के बाद जो है 70 साल के बाद कोई बंगाल में नहीं कर पाया। तो आप क्या तुलना? मुझे लगता है कि जिसको हिसाब किताब नहीं पता है, राजनीति का इतिहास नहीं पता है, वही इस तरह की बातें करते रहते हैं। मेरा ये हमेशा मानना है कि पढ़ा लिखा आदमी हमेशा अच्छा काम करता है, और भागलपुर परिवर्तन मांग रहा है और परिवर्तन होगा। भागलपुर के आप यहाँ के निवासी भी हैं, वोटर भी हैं, और अब नगर निगम का आज बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ऐसे में भागलपुर की आम आवाम जनता से निशिकांत दुबे एक सांसद के तौर पर और एक भागलपुर के वोटर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? हम परिवर्तन की बात करते हैं, और हम ये कहते हैं कि जो पुराने जितने सिस्टम थे सबको उखाड़ फेंकिए, नया मेयर लाइए, नया डिप्टी मेयर लाइए, नया वार्ड काउंसिलर लाइए, और एक अच्छा नगर निगम, साफ सुथरा नगर निगम, स्वच्छ नगर निगम और विकसित नगर भागलपुर को बनाइए। तब लगता है कि विकास हो पाएगा? निश्चित तौर पर विकास हो पाएगा। जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है जो मोदी जी यहाँ लागू करना चाहते हैं, जो ये रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट होना है, यदि 40-50 रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट होना है तो भागलपुर रेलवे स्टेशन का यदि अच्छा नगर निगम का कोई मेयर होगा, तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2 साल के अंदर जो है आपको एयरपोर्ट जैसी सुविधा जो है भागलपुर स्टेशन से ही दिखाई देने लगेगी। तो विकास तो वहीं से होगा। नगर निगम से इतर हटके एक और सवाल यहाँ के लोगों के लिए, भागलपुर लोकसभा कब गोड्डा लोकसभा की तरह विकसित दिखेगा?
ये सवाल ऐसा है कि ये सवाल 2024 में यदि हम लोग पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि क्या खोया, क्या पाया, क्या मिला, नहीं मिला, क्योंकि कई एक ऐसी योजनाएं हैं जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पाइपलाइन में हैं, भागलपुर में वो चल रही हैं, और मुझे लगता है कि आपको भविष्य जो है अच्छा ही नज़र आएगा और विकसित ही नज़र आएगी। गोड्डा का यदि विकास होना है तो गोड्डा बीच में है, गोड्डा एक टापू है, उसके लिए भागलपुर को भी विकास करना पड़ेगा, उसके लिए दुमका का भी विकास होना पड़ेगा, उसके लिए राजमहल का भी विकास होना पड़ेगा, उसके लिए जमुई का भी विकास होना पड़ेगा, गिरिडीह का भी विकास होगा। जब सभी का विकास होगा तभी गोड्डा लोकसभा का विकास होगा। गोड्डा जो है कोई एक ऐसा जगह नहीं है जो किनारे में है, वो एक टापू है और चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से विकसित होता हुआ जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं नेशनल हाईवे लेके आया, तो नेशनल हाईवे जो 333A है वो शेखपुरा बरबीघा से चलता है और वो पाकुड़ तक जाता है, तो पाकुड़ का भी डेवलपमेंट होगा तभी भागलपुर का डेवलपमेंट होगा। यदि रेल लाइन आ रहा है तो पीरपैंती से वो रेल लाइन जुड़ेगी तभी वो गोड्डा जाएगी, गोड्डा का विकास होगा, वो भागलपुर से देवघर से जुड़ेगी तभी वो विकास होगा। विक्रमशिला कटेरिया जो गंगा में पुल बनना है बटेश्वर का, वो बनेगा तभी विकास होगा। तो गोड्डा का यदि विकास होना है तो भागलपुर और बांका जो है उसका पार्ट है और इसका भी विकास। ये सवाल इसलिए मैंने पूछा कि सुदूर देहात से लेके भागलपुर शहर के लोग जब देखते हैं अखबार में, टीवी में, तो जिस तरह से गोड्डा का विकास आप कर रहे हैं, नज़रें सब आपकी तरफ टिक जाती है और वो बोलते हैं, बात करते हैं, चाय की दुकानों पर चर्चा होती है कि आखिर निशिकांत दुबे भागलपुर का विकास, चूंकि उनके लिए लग रहा है कि निशिकांत दुबे ही शायद वो कायाकल्प कर सकते हैं। आप ये बताइए कि यदि अगरतला के लिए ट्रेन चली तो भागलपुर के लोगों को फ़ायदा नहीं है, यदि हम सफ़र गोड्डा से चली तो भागलपुर के लोगों को फ़ायदा नहीं है, यदि पटना के लिए, राजेंद्र नगर के लिए ट्रेन चली तो भागलपुर के लिए फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा ना कि गोड्डा का यदि विकास होगा तो ऑटोमेटिक वो भागलपुर और बांका का विकास होगा। 2024 का इंतजार करना चाहिए। चलते चलते टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे भागलपुर की जनता को? मैं भागलपुर की जनता को कहूँगा कि परिवर्तन के लिए वोट दें, बाहर निकलें और पहले मतदान करें फिर जलपान करें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे सांसद निशिकांत दुबे, जिन्होंने कि साफ साफ कहा है कि परिवर्तन के लिए वोट दें और भागलपुर के विकास के लिए वोट दें, ऐसा कहना था भागलपुर से रहने वाले यहाँ के वोटर और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने, और कहा कि भागलपुर का भी विकास होगा अगर आप परिवर्तन के लिए वोट डालेंगे। आप घरों से निकलें, पहले मतदान करें फिर जलपान करें, और सुबह सुबह इन्होंने मतदान कर दिया और उसके बाद इन्होंने हमसे बातचीत की है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश, भागलपुर।